सिया खुले विचारों की लड़की थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, सुंदर सा चेहरा और बहुत मासूम सी लगती थी। एक दिन की बात है, उसने सुना कि उसके गांव में जिन को लेकर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। वो जिन के बारे में सोचते हुए घर से चली जाती और उसे बाजार से किताबें और कुछ घर का सामान लाना था तो वो लेकर वापिस आती। उसे एक साया सा महसूस होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा अब घर से बाहर मत जाना 2 हफ्ते। क्यों माँ, तू जानती है बेटी जिन के बारे में, वो इस समय यहाँ भाग रहा है और वो कुछ भी कर सकता है। सिया इन सब बातों को मानती तो नहीं थी, पर माँ को चिंता भी नहीं देना चाहती थी। उसने हाँ पे सर हिला दिया और कमरे में चली गई। उस दिन अमावस्या की रात सिया सो नहीं पा रही थी। उसने किताब लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। 3:40 का टाइम हो रहा था, तभी उसने खिड़की पर एक आहट सुनी। उसने सोचा इस टाइम कौन है। वो खिड़की पर थोड़ा घबराई पर उठ उसने देखा। जैसे उसने खिड़की खोली तो वहां पर कोई नहीं था, पर जैसे ही अंदर आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हिम्मत करके देखा, एक सुंदर सा लड़का उसके सामने खड़ा था। ऐसे लग रहा था जैसे चांद उतर आया हो। सिया बिल्कुल पागलों के जैसे उसे देखने लगी। सिया का याद आया कि वो पूछना ही तो भूल गई। उस लड़के बने जिन दिन से पूछने लगी, कौन हो तुम, क्या चाहते हो, यहाँ क्यों हूँ। तब वो लड़का हंसते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया तुम्हारा पीछा करता हर रोज, सिया ने कहा, मैंने तो नहीं देखा आज तक तुम्हें, कहाँ रहते हो तुम। वैसे भी मैं तुम्हारे पास की कॉलोनी में ही रहता हूँ, अब तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूँ। वो मीठी मीठी बातें सिया को अच्छी लगने लगी। उसका ऐसा जादू चला, वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो पास आकर बैठा जा रहा था, सिया उसे चाहते हुए भी देख रही थी। तभी वो बिल्कुल पास आ गया और सिया कस कर बाहों में भर लिया। सिया को उसने बस में कर लिया तो सिया उसके महसूस करने लगी और उसे पसंद आने लगा। उस जिन ने हरकतें करने पर उससे अच्छा लगता था। तभी वो जिन के साय सिया के ओठ को चूसने लगा। इतनी ही बुरी तरह चूस रहा था कि जैसे उसे खा ही जाएगा। सिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी उसके सिया को गोद उठाया और बिस्तर पर ले गया। वहां जाकर उसने सिया के कपड़े फाड़ डाले और उसके साथ संभोग कर लिया। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद सिया अपना हाल देखा वो घबरा गई। वो समझ नहीं पाई आखिर हुआ क्या था। उसके साथ उसे याद भी नहीं आ रहा था, किसी से कह भी नहीं पा रही थी उसके साथ हुआ क्या था। रात में वो घबराई सी बैठी थी, सोच नहीं पा रही थी क्या करे। उसने अपना हुलिया सुधारा, फिर सुबह हो चुकी थी। वो नहा धोकर नाश्ते के लिए बाहर आ चुकी थी। कल रात बारे में सोच सोच परेशान हो रही थी। उसकी जो हालत थी उसे भूल नहीं पा रही थी। उसने अगले दिन का इंतजार करने में भलाई समझी। वो हर रात आता और उसके साथ सेक्स करता। वो उसके साथ बस वही सुबह तक सब कुछ भूल जाती। काफी दिन बीत चुके थे, आज अमावस्या की रात आ चुकी थी। उसने सोने की तैयारी कर रही थी, तभी उसने महसूस किया किसी ने कमर के पास उसे कस कर पकड़ा हुआ है। वो एकदम पीछे मुड़ी, उसने देखा कि कोई नहीं दिखा। उसे उसने हाथ जोड़कर कहा, जो भी हो उसके सामने आ जाओ। उसे प्यार करने लगी है, उसने झूठ बोल दिया ताकि वो सच जान सके। जैसे ही सामने आया तब उसे याद आ गया कि वो पिछली अमावस्या को खिड़की से आया था पर गया। कब से वो याद नहीं कर पा रही थी। उसने झूठे प्यार से उसे फंसाने में ही भलाई समझी ताकि वो जान सके आखिर वो कौन था और कौन इतने दिन तक लड़का बना। जिन ने बोला, मैं हर रोज आता हूँ तेरे साथ ही सोता हूँ, सुबह चला जाता हूँ। वो कुछ समझती इससे पहले उसने फिर से बस में कर लिया। आखिर वो जिन था, सब कुछ कर सकता था। उसे बाहों में लेते बोला, सिया जब से मैंने तुझे देखा है तुझे ही चाहता हूँ और सिर्फ तू मेरी हो और मुझे कभी नहीं जाने दूंगा खुद से दूर, तेरा जिस्म सिर्फ मेरा। उसने फिर सिया को चूसना शुरू कर दिया, उसके कपड़े उतारे, उसके साथ संभोग करने लगा। 2 घंटे निकल गए, वो हट ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल जंगली जानवर जैसे उसके ऊपर चढ़ा हुआ था। वो अपना आपा खो बैठा था और अपने असली रूप में आ गया। जैसे असली रूप में आया सिया वशीकरण टूट गया। उसने देखा कि उसके ऊपर एक शैतान और जो अपनी हवस के लिए पागल हो चुका है। सिया पूरी कोशिश करने लगी उससे दूर हटने की, पर वो नाकामयाब रही। उसने विरोध करने पर और वो बुरी तरह उसके बदन को नोचने लगा, उसका खून पीने लगा। वह लहलुहान होकर दिया, वह चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने पर भी जिन ने उसे नहीं छोड़ा, वो संभोग करता रहा। उसकी माँ और भाभी भी ही थी घर में, उसके पापा और भाई कहीं गए तो उन्होंने माँ माँ चिल्लाना शुरू किया। उसकी माँ और भाभी आवाज़ सुनकर भाग कर आई कमरे में। सिया को ऐसे अजीब हालत में देखकर घबरा गई। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिया के साथ क्या हो रहा है, पर उसकी भाभी समझ गई कि ये जिन की वजह से है।
सुबह के 4:30 होने को थे। अब जिन्हें का जाने का समय था वो चला गया। उसके जाते ही सिया ने माँ को सारी घटना बताई। उसकी भाभी एक पहुंचे हुए बाबा को जानती थी। उसने बिना देर किए आनंद बाबा को बुलाया और सिया के कपड़े बदले हुए घाव को दवाई लगाकर पट्टी की। बाबा ने आते ही सिया की तरफ देखा, वो सारा वाक्य जान गया। तो उन्होंने कहा कि सिया को बचाने का उपाय अगली अमावस्या को ही किया जा सकता है, क्योंकि तभी जिन ने शुरुआत की थी और उसने ताबीज बनाकर सिया के शरीर पर बांध दिया। घर वाले डर चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसने अपने घर वालों के लिए ताबीज बनाकर दिए और थोड़ी भभूति भी माथे पर लगाने के लिए और चले गए। अगली रात जिन फिर आया और जैसे ही उसने छूने को वैसे ही दूर जाकर गिरा। इससे उसे क्रोध आ गया और बोला, तुझे मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, 7 दिन बाद फिर आऊंगा, साथ लेकर ही जाऊंगा। यह कहकर वो चला गया। उसके बाद सिया उदास रहने लगी, उसका कहीं मन नहीं लगता था। वो अमावस्या की रात की याद करके खूब रोती थी। उसे अकेले सोने से डर लगता था, इसलिए कभी माँ कभी भाभी कभी सोती थी। आखिर अमावस्या का दिन आ गया। बाबा आनंद ही पूरी तैयारी में थे। शाम हो चली थी तभी बाबा ने सिया और उसके घर वालों को बुलाकर बैठा और भभूति को गोल गोल बनाने लगे। वो मंत्र पढ़ते और गोले गोले बनाते हुए उन्हें सारे घर वालों के लिए सुरक्षा गोले बनाए। सभी को उनमें बैठना था। उनके पास एक खाली अजीब सी बोतल भी थी। उन्होंने सब उसे समझना शुरू कर दिया और कहा, वो सब यहाँ इशारा कर दूंगा, आप सभी इन गोलों पर बैठ जाना। सभी ने हाथ में सर हिला दिया। फिर बाबा आगे बोले कि उसे यही लगना चाहिए कि आप अपनी सिया की शादी उससे करवाएंगे और सिया तो भी खुश दिखना उसे, ताकि उसे सोचने का मौका ना मिले। सिया ने हाँ में सर हिला दिया और गोले में बैठ गई, ताकि बाकी सब लोग भी बैठने लगे। तभी बाबा बोले कि ये भभूति अपने पास रख लो, सभी ये भ्रम में डाल देगी और आप दिख नहीं पाओगे, उसे सिर्फ सिया को दिखेगी और बाकी काम में खुद संभाल लूंगा। रात हो चुकी थी, अब जिन के आने का टाइम हो चुका था। सिया घबराई हुई थी, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, इसलिए वो शांत बैठी थी। तभी आठ सुनाई दी, जिन आ चुका था। भभूति की वजह से सिया के सिवा किसी को देख नहीं पा रहा था। आते ही सिया को बाहों में भरने को जैसे ही हुआ, सिया चिल्लाने लगी, वो बाबा की कही बात भूल गई और हड़बड़ाई सी इधर उधर भागने लगी। इसी बीच उसके ताबीज टूटकर गिर गया। जिन को जैसे ही इसी का इंतजार था, वो बिना देर किए उसके शरीर में प्रवेश कर गया और सिया का शरीर उसे उछलने लगा, जैसे स्प्रिंग लगा हो। उसके नीचे उसने हाथ पर ब्रेड उठाकर फेंक दिया। जिन ने सिया का शरीर काबू में कर लिया था और वो सभी को दिखाई देने लगा था। उसके अंदर से ये सब देख घर वाले घबरा गए। बाबा आनंद ने एक हाथ में पानी लिया और मंत्र पढ़ने लगा, जिन पर फेंका। ऐसा करते ही वो सिया के शरीर से चिल्लाया। फिर बाबा तेज आवाज से कहने लगे, छोड़ दे इसका शरीर जिन, ये मना कर दिया। तब बाबा को दूसरा हथकंडा अपनाना पड़ा और मंत्रों के एक सम्मोहन डाल दिया। जिन छटपटाने लगा और यहाँ से वहाँ हाथ पैर मारने लगा, पर उसका बस नहीं चल पाया। तभी बाबा ने सिया की भाभी की तरफ इशारा किया और कहा कि सिया को शीशा दिखा। उसने शीशा दिखा दिया। तब देवताओं का पहर आने ही वाला था कि जिन का पहर बहुत कमजोर पड़ता जा रहा था। अब उसने अपने असली रूप में आना था, वरना वो हमेशा के लिए एक ही रूप में रह जाता। जैसे ही वो सिया के शरीर से बाहर आया, बाबा को जैसे ही इसी का इंतजार था, उसने शीशे के जरिए उसकी परछाई पकड़ी और बिना देर किए बोतल में डाल दी और चैन की सांस ली। 4 बज गए थे, अब कोई खतरा नहीं था। सिया अभी भी बेहोश थी, जिन अब बंद हो चुका था। घर वाले सिया को उठाने लगे। सिया ने आंखें खोली, लेकिन तभी सिया के पेट में कुछ महसूस हुआ, कुछ हिल रहा था उसके पेट में। उसने बाबा को बताया कि इसका कारण पूछने लगी। बाबा समझ गए कि क्या गड़बड़ है। उसने जिन को तो बंद कर दिया, पर उस बच्चे को क्या करती। अब तो सिया के पेट में आ चुका था, सिया के पेट में जिन का बच्चा था। उसने घर वालों को सब बात बताई। उसको सुनकर वो सदमे में चली गई। जिन क्या सच में हो जा चुका था, वह जिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। आखिर गलती क्या थी उसकी, ये सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय, टेक केयर।